गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो जो है वो लेकर आया हूँ, जिससे सभी जो स्टूडेंट्स हैं या और भी जो इसको देखेंगे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो टेंथ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो ट्वेल्थ की कर रहे हैं, चाहे वो यूजी की कर रहे हैं, पीजी की कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, या फिर कोई भी कंपटीशन की वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। तो इस वीडियो को जो है आपको अंत तक देखना है, और इसमें जो जो बातें आपको बताई जाती हैं उनका आप फॉलो करेंगे, और फॉलो करके और अपने इस टाइम का जो है वो आपको यूटिलाइजेशन करना है। तो लेट्स सी दिस पॉइंट्स। आज हम इन 4 पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, और ये 4 पॉइंट्स जो हैं वो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। ओके, हमें क्या करना है, टाइम का सदुपयोग करना है। ये टाइम बिल्कुल इतना बेटर टाइम है, ये कह सकते हैं कोरोना की वजह से कि टाइम थोड़ा खराब चल रहा है, ऐसी बात है, लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप सब समझते हैं, लेकिन फिर भी हमें इस टाइम का यूटिलाइजेशन करना है। 24 आवर्स हमारे पास में है, तो इन 24 आवर्स का हमें सदुपयोग करना है। ओके, नेक्स्ट वन है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास इंसान को पूर्ण बनाता है, जब तक कोई भी इंसान अभ्यास नहीं करेगा तो वो इंसान परफेक्ट नहीं बन सकता। ओके, तो प्रैक्टिस इंसान को करनी चाहिए। जो विद्यार्थी हैं फिलहाल, जो स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल फ्री बैठे हैं और अपना जो टाइम है पूरा वो फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे या और भी कई प्रकार के जो एप्स चल रहे हैं उन पर अपना टाइम जो है उसको वेस्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम को थोड़ा सा कम करके और अपनी जो स्टडी है उसमें अपना टाइम पूरा दें। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको वो चीजें नहीं चलानी चाहिए, चलाएं, लेकिन पूरा का पूरा जो टाइम है उसमें आप बर्बाद नहीं करें। ओके, इसके बाद है डोंट बी लेजी। आपको आलसी नहीं बनना है। फिलहाल हम 24 आवर्स अपने सोशल मीडिया पे बिल्कुल बिजी रहते हैं और टाइम का कोई पता नहीं है, हम कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, इसका कोई अता पता नहीं है। लेट एट नाइट सोते हैं, फिर अर्ली इन द मॉर्निंग जब उठ नहीं पाते हैं, काफी लेट हम उठते हैं, तो थोड़ा सा हमें उस चीज का ध्यान रखना, अपना शेड्यूल है उस शेड्यूल को हमें खराब नहीं करना है। अगर शेड्यूल हमारा खराब हो गया तो हम कोई भी चीज है उसको ढंग से जो है वो नहीं कर पाएंगे, तो हमें आलसी नहीं बनना है। नेक्स्ट वन है लिसन ऑफ योर सोल्स वॉइस। अपनी आत्मा की आवाज सुने, अपने मन की आवाज आप सुने। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, उससे कोई मतलब नहीं है। यदि आप इस दौर से गुजरना चाहते हैं या अच्छी तरह से जो है इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो अपने मन की वॉइस को सुने। आप जो भी अच्छे अच्छे काम हैं उनको आप करें और उनमें अपना टाइम ज्यादा आपको स्पेंड करना है। फिलहाल आपको प्रिपरेशन का इतना अच्छा मौका मिल रहा है कि आप इसका अगर यूटिलाइजेशन करते हैं, इसका सदुपयोग करते हैं, तो आप एक बहुत अच्छी स्कोरिंग जो है वो कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, वो स्टोरी आपके लिए बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन वाली हो सकती है और आपके लाइफ में जो है चेंज भी ला सकती है। तो आप स्टोरी सुनिए छोटी सी। एक बार क्या हुआ, इंद्रदेव जो हैं वो किसानों से नाराज हो गए। ओके, तो कई दिनों तक जो है बारिश नहीं हुई, तो सारे सारे जो किसान हैं वो इकट्ठा होकर के और इंद्रदेव के पास में जाते हैं। तो इंद्रदेव ने कहा कि अब 12 साल तक बारिश नहीं होगी। तो वो बड़े परेशान हुए, उन्होंने कहा कि 12 साल बारिश नहीं होगी तो हमारा क्या होगा फिर। तो उन्होंने ये क्या कहा कि आप जो है वो भगवान शिव शंकर के पास में जाएं या भगवान शंकर के पास में जाएं। उन्होंने वो बात जो है भगवान शिव पर डाल दी। ठीक है, तो वहां से सारे के सारे एकत्रित होकर के और भगवान शंकर के पास में जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है, और भगवान इंद्रदेव ये कह रहे हैं कि 12 साल बाद में बारिश होगी जब भगवान शंकर अपना डमरू बजाएंगे। तो भगवान शंकर ने भी यही कहा कि बिल्कुल 12 साल बाद में जब भी मैं डमरू बजाऊंगा तभी बारिश होगी, इससे पहले बारिश नहीं होगी। ओके, तो इससे किसान जो है वो काफी ज्यादा परेशान हुए। अब इसी बीच के सारे सारे किसान जो है वो वापस वहां से निराश होकर के लौट आए। उनमें से एक किसान जो था
वो किसान उस चीज से नाराज या निराश नहीं हुआ और वो अपने खेतों में अपना काम करता रहा। अपनी जो भी निराई है गुड़ाई है, जो भी अपना प्रैक्टिस का जो भी काम था, वो काम वो लगातार करता रहा। इसी बीच क्या होता है, थोड़ा सा इसमें स्टोरी में ट्विस्ट आता है। उधर भगवान शिव शंकर जो है उनके पास पार्वती बैठी थी, तो पार्वती ने कहा कि आपने ये क्या किया, आपने किसानों को निराश करके और यहां से लौटा दिया। आप ये सोचो कि आप 12 साल बाद में डमरू बजाएंगे, तो हो सकता है कि 12 साल बाद में आप डमरू बजाना भूल जाएं। तो भगवान शिव शंकर को यह बात जो है पार्वती वाली वो थोड़ी अच्छी लगी, तो बोला बात तो सही है। तो उसने कहा कि आप ऐसा नहीं करें, 12 साल बाद में हो सकता है आपका यह अभ्यास जो है डमरू बजाने का वो छूट भी सकता है। बिल्कुल बात तो सही है। फिर उन्होंने पार्वती की बात को मान करके और अपना डमरू बजाया, और डमरू बजाते ही जो है वो बारिश होने लगी। और बारिश होने लगी तो जो पहले जो किसान निराश नहीं हुआ था, आलसी नहीं हुआ था, उसने अपना अभ्यास जारी रखा था, उस किसान के खेतों में जो है फसल अच्छी तरह से लहलाने लगी। मतलब उसने पूरा काम अपना पहले से कर लिया था, और जो बचा हुआ काम था उसको उसने बारिश आने के बाद में थोड़ा बहुत जो है वो कर लिया, जो भी उसको जितने काम की आवश्यकता है, लेकिन उसने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। ठीक है ना, अगर वो प्रैक्टिस छोड़ देता तो दूसरे जो किसान है उनकी तरह वो भी परेशान होता, दूसरे जो किसान है उनकी फसलें जो है वो ढंग से नहीं हो पाई, और उस किसान के खेतों में जो है फसल लहलाने लगी। तो इस बात को लेकर के और दूसरे जो किसान हैं उन्होंने सोचा कि वास्तव में ये आदमी आलसी नहीं बना और उसने अपना काम जारी रखा, तो आज देखो उसके खेतों में कितनी अच्छी फसल जो है वो लहला रही है। काश हम भी ऐसा करते तो आज हमारे खेतों में भी काफी ज्यादा धान जो है या जो भी हमारी फसल है वो काफी अच्छी होती। तो यहाँ पर इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलने वाली है कि आज हमारे पास में टाइम है, ओके, और उस टाइम का हम सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। आज हम ये देख रहे हैं कि पता नहीं कब वो डमरू बजेगा, कहने का मतलब कब हमारी एग्जाम्स की डेट आएंगी, ओके, और एग्जाम की डेट आने के बाद में हम स्टडी करेंगे, तो बेटर है कि वो पहले आप स्टडी कर लें। नहीं तो वही कंडीशन, फिर दूसरे किसानों वाली कंडीशन जो है वो जो तैयारी नहीं कर रहे स्टूडेंट से, इस टाइम का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, उनकी हालत में उन किसानों जैसी होने वाली है। और जो बच्चा या जो भी स्टूडेंट है वो प्रैक्टिस ढंग से करेगा, आलसी नहीं बनेगा, अपने टाइम का सदुपयोग करेगा, ठीक है ना, और अपने मन की बात जो है स्टडी को लेकर के अपने मन की बात को सुनेगा, तो उस स्टूडेंट की या जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको रिजल्ट कैसा मिलेगा, जिस किसान ने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी उस किसान जैसा जो रिजल्ट है उनको मिलेगा। तो कहने का मीन्स ये है कि हमें उस डमरू के बजने की जो वेट है या इंतजार है वो हमें नहीं करना है। आप ही हुजूर कोरोना पता नहीं कब जाएगा, आप इसकी टेंशन नहीं लें, कोरोना जो है महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद में चला जाएगा, लेकिन आपको अभी जो टाइम मिल रहा है उस टाइम का आपको जो है यूटिलाइजेशन करना है, उस टाइम का आप बहुत अच्छे से सदुपयोग करना है, क्योंकि 24 आवर्स जो है आपके पास टाइम है, बिल्कुल फ्री है, घर पे हैं, सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइम का आप जो है अभी बहुत ही अच्छा सदुपयोग कर सकते हैं, और इन फ्यूचर जो है आप एक अच्छा रिजल्ट जो है वो अपने एग्जाम्स में ला सकते हैं, एक अच्छी स्कोरिंग आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको इन स्टोरी के माध्यम से जो मैंने 4 पॉइंट्स आपको समझाए हैं या बताए हैं, उन 4 पॉइंट्स को आपको जो है अपने लाइफ में अभी जो है जो टाइम चल रहा है उसमें आप इनको प्रैक्टिस में लें, और फिर देखो रिजल्ट कैसा मिलता है। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, अपने टाइम का सदुपयोग करना, आपको अभी बिल्कुल 24 आवर्स फ्री हैं, आने वाले रिजल्ट्स के लिए या आने वाले बेटर रिजल्ट्स के लिए आपको जो है इस टाइम का आपको बहुत ही अच्छा इसका जो है सदुपयोग करना है, ओके। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट प्रैक्टिस आपको करनी है, रोज प्रैक्टिस करें। एक तो सिलेबस आपका आ गया है, अच्छी बात है, जिनके पास सिलेबस है वो सिलेबस देखें, नहीं आया तो आ जाएगा सिलेबस। सिलेबस रिलेटेड और भी कई चीजें हो सकती हैं जो आपकी बेसिक नॉलेज, अगर कमजोर है तो बेसिक नॉलेज आप अच्छी गैदर कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सी चीजें पड़ी हुई हैं, तो आप अन्य चीजों को न देख करके अपने सिलेबस की चीजें, आप जो आप जिस सब्जेक्ट में कमजोर हैं उसकी बहुत सी क्लासेस चल रही हैं, बहुत से एप्स जो आ रहे हैं उनमें आप अपनी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट को जो है वो काफी अच्छा बना सकते हैं। डोंट बी लेजी, आलसी आपको बनना नहीं है, अगर आलसी बनेंगे तो आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, आलस से इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। सब समझदार हैं आप, लेकिन फिर भी आप इस चीज को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें, अडॉप्ट करेंगे तब बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा।
मिलने वाला है। लिसन योर सोल्स वॉइस, अपनी आत्मा की आवाज को आप सुने। दुनिया क्या कहती है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। जो लोग आज आलसी बन करके अपने टाइम का जो है वो वेस्टेज कर रहे हैं, उनको बाद में पता चलेगा कि कब, जब साथ वाला अच्छी स्टडी कर रहा है अभी और अच्छी स्कोरिंग करेगा, इनको तब पता चलेगा कि हाँ काश मैं भी उस टाइम की अच्छी स्टडी कर लेता तो आज मुझे भी इससे बेटर स्कोरिंग मिल सकती थी। तब जाकर उसको पता चलेगा कि काश मैंने भी इस टाइम का जो सदुपयोग जो है वो किया होता, ठीक है ना। तो ये आप दूसरे क्या कह रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। दूसरे आप ये भी कह सकते हैं अरे अभी तो एग्जाम काफी दूर है, अभी पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, तो डेट ही नहीं आई है, पता नहीं एग्जाम होगी कि नहीं होगी। कई कह रहे हैं कि क्या पता जो 10th प्लस स्टूडेंट्स है वो सोच रहे हैं प्रमोट कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जैसा भी आप अपना नॉलेज तो गैदर कर सकते हैं, नॉलेज तो आप इंक्रीज कर सकते हैं ना। या मान लो और भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो ये सोच रहे थे डेट कब आएगी, हम पहले क्यों पढ़े। तो अपना जो रिविजन है या अपना जो भी जिस सब्जेक्ट में आपकी वीकनेस ज्यादा है उसको आप इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। और एग्जाम की डेट कभी भी आ जाए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं बाद में। तो स्कोरिंग काफी अच्छी आपकी हो सकती है। कॉम्पिटिशन एग्जाम वाले हैं वो अगर आप तैयारी अभी कर रहे हैं तो उनको एक अच्छी बेटर लाइफ मिल सकती है। कल को मान लो सर्विस लग गए तो काफी अच्छा जो है आपकी फैमिली का आप जो है वो बेटरमेंट कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखते हुए इस टाइम का आपको काफी ज्यादा यूटिलाइजेशन करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या अच्छा लगे तो आप इसको शेयर भी करना, लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना। और आगे भी जो है मैं ऐसे मोटिवेशनल वीडियो या रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैं वीडियो लेके आता रहूंगा। और आपका प्रोत्साहन, मुझे आशा है कि आपका प्रोत्साहन मुझे लगातार जो है वो मिलता रहेगा। इसी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक स्टे सेफ स्टे होम, या स्टे होम स्टे सेफ, और मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद।